नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट और हिमांक के 1-1 के बारे में, डिप्रेसिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। दोस्तों ये सॉल्यूशन चैप्टर का बहुत ही अच्छा हेडलाइंस माना जाता है। हम लोग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में अध्ययन किए थे और ये हेडलाइन दरअसल दोस्तों छूट गया था, तो इसके बारे में हम लोग जरा जिक्र करते हैं। हिमांक, व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट, ये हिमांक है क्या? एक दोस्तों होता है हिमायन और एक होता है हिमांक। हिमायन क्या है? हिमायन दोस्तों किसी भी टेम्परेचर पर धीरे धीरे जो लिक्विड होता है वो सोलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग हिमायन कहते हैं। बट दोस्तों हिमांक क्या है? हिमांक को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। अब ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जब भी दोस्तों हिमांक की क्रिया होगी यहाँ पर भी लिक्विड को ही सोलिड में बदल रहा होगा, लेकिन जो दोस्तों हिमांक होता है ये एक निश्चित ताप पर होता है, इसके लिए ताप का जो होता है वो निर्धारित होता है। अच्छा चलिए हिमांक के बारे में हम लोग जानते हैं। कहते हैं किसी द्रव का हिमांक वह ताप है जिस पर द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए। बात समझ में आ रही है? हमने क्या कहा, किसी द्रव का हिमांक, किसी द्रव का हिमांक, हिमांक यानी निर्धारित टेम्परेचर, किसी द्रव का हिमांक वह ताप होता है जिस पर द्रव का वाष्प दाब, जिस पर द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ये बात समझ, जिस पर द्रव का वाष्प दाब यानी कि लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है, द्रव का वाष्प दाब होता है, उसकी ठोस अवस्था दोस्तों वाष्प दाब के क्या हो जाता है, बराबर होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, राइट। और अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं हिमांक का 1-1, आप समझ पाए हिमांक के बारे में हमने बताया, तो जरा एक बार फिर हम जिक्र करते हैं। दोस्तों हिमांक क्या है? किसी द्रव का हिमांक एक वह ताप होता है जिस पर द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस अवस्था का वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, राइट। बात करें दोस्तों हिमांक के 1-1 की यानी डिप्रेसिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक का 1-1 दोस्तों क्या है? विलायक के हिमांक एवं विलयन के हिमांक के अंतर को ही हिमांक का 1-1 कहते हैं। हमने क्या कहा दोस्तों, विलायक के हिमांक एवं विलयन के हिमांक यानी सॉल्वेंट का हिमांक और विलयन, ये चीज दोस्तों ध्यान में रखना है यहाँ पर, ये पॉइंट वाली बात, विलायक का हिमांक और विलयन का हिमांक, अभी ये आगे आएगा, ये ध्यान दीजिएगा, एक विलायक का हिमांक है दूसरा विलयन का हिमांक, दोनों का अंतर हम लोग आगे आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में आपको दिखाएंगे। अभी आप केवल समझिए विलायक का हिमांक और विलयन का हिमांक के अंतर को ही हिमांक का 1-1 कहते हैं। हिमांक के 1-1 को दोस्तों डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं, राइट। और यहाँ पर देखिए फार्मूला भी दोस्तों लिखा गया है, यदि विलायक का हिमांक टी एफ है और विलयन का हिमांक टी एफ है, दोस्तों विलायक का हिमांक टी एफ नॉट है एवं विलयन का हिमांक टी एफ है, तो संपूर्ण जो इनमें अंतर होता है विलायक और विलयन के हिमांक में, डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ। अब चलिए, अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग इस ग्राफ के द्वारा समझेंगे ये फ्रीजिंग पॉइंट और हिमांक का 1-1 यानी हिमांक का 1-1 है क्या, इस ग्राफ के द्वारा हम लोग समझेंगे। दोस्तों जो एक हमने बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताया है, वहाँ पर हमने आपको बताया होगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, राइट। क्वथनांक का उन्नयन के बारे में हमने बताया है, तो इसी प्लेलिस्ट में है दोस्तों, वहाँ पे जाके आप उसका अध्ययन कीजिए, और या फिर आप उसका अध्ययन किए तो इसका आप अध्ययन कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं एक ग्राफ बना हुआ है, ये ऊपर प्रेशर दोस्तों ऊपर से लगता है, आप ऐसे ऐसे समझिए प्रेशर ऊपर से होता है, और ये एक्स एक्सिस है, यानी कि एक्स एक्सिस में हम क्या चलेंगे, टेम्परेचर चलेंगे, वाई एक्सिस में हम कहाँ चलेंगे, प्रेशर चलेंगे, राइट, एक्स वाई। यहाँ ये टेम्परेचर है, ताप होता है जो दोस्तों ताप पर केल्विन में यहाँ पे मापा जाता है। अच्छा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अब इनका मतलब जरा समझते हैं दोस्तों, ये जो हमने एक यहाँ पे एक लाइन खींचा, ये सोलिड फॉर्म में है, राइट, ये सोलिड फॉर्म में है दोस्तों, ये कैसी ग्राफ है, कैसा सोलिड है जो कि पूरी तरह क्या है, ये सोलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, ठोस पदार्थ है। अब दोस्तों अगर हमें विलायक का वेपर देखना हो, विलायक यानी दोस्तों सपोज मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, कोई पात्र है, पात्र में हमने क्या लिया है, जल, जल यानी सॉल्वेंट, और दोस्तों एक चीज़ ध्यान में रखना है आपको,
ये जो सॉल्वेंट है बिल्कुल क्या है, प्योर फॉर्म में है, यानी जो सॉल्वेंट ये लिक्विड है बिल्कुल क्या है, प्योर फॉर्म में है, राइट। और अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अगर हम दोस्तों यहाँ सपोज मान लीजिए यहाँ पर हमारा क्या है, लिक्विड है। जब लिक्विड को हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इसका टेम्परेचर गिराएंगे तो उसका वेपर धीरे धीरे क्या होगा दोस्तों, कम होता चला जाएगा, वेपर कम होता चलाएगा, तो ये यहाँ पर सोलर से आकर टकराएगा, राइट। दोस्तों यहाँ पर जब आकर सॉल्वेंट, ये जो प्योर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट जो लिक्विड है, जब यहाँ पर सोलर के इस बिंदु पर टकराता है तो यहाँ पर इसका पूरी तरह क्या होता है, यहाँ पर इसका ग्राफ क्या होता है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, देखिए फिर ध्यान दीजिए, ये सोलिड है, यहाँ पर ये बिल्कुल क्या है, गैसियस फॉर्म में है। जब हम टेम्परेचर गिराएंगे तभी तो सॉल्वेंट जो है प्योर फॉर्म में है सोलिड में बदलेगा। तो यहाँ पर कोई सपोज मान लीजिए इसका इसका जो थ्रेशोल्ड जो टेम्परेचर है यहाँ पर है, हमने यहाँ से टेम्परेचर गिराना शुरू किया तो आप देख पा रहे हैं जो द्रव है विलायक है वो धीरे 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 सॉल्वेंट पे कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आके कट करता है सॉलिड को। यहाँ पे जो दोस्तों ये जो द्रव का विलायक है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है जैसे जैसे टेम्परेचर हम गिराते हैं, राइट। क्योंकि ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर इस साइड से आएगा और वेपर भी कम हो रहा है आप देख पा रहे हैं। अब उसके बाद दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर कट करता है तो यहाँ पर हमने एक लाइन यहाँ पर टेम्परेचर पर खींचा, यहाँ से हमने क्लाइंट टेम्परेचर पर खींचा और इसे हमने नाम दे दिया टी एफ नॉट, राइट। अब होता क्या है, ये जो प्योर सॉल्वेंट है दोस्तों, जब इसमें हम कोई सॉल्यूट ऐड करते हैं, जब कोई सॉल्यूट डालते हैं यानी विलेय डालते हैं, जैसे ही आप दोस्तों विलेय डालेंगे तब आप इसे हीटेड करेंगे तो अब यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, जब आप हीटेड करेंगे तो थोड़ा इसे अब कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा, तब आके दोस्तों क्या होगा, ये धीरे धीरे सॉल्वेंट, तब ज़्यादा टेम्परेचर गिराएंगे तब तो ये सॉल्वेंट, तब ये सॉलिड स्टेट में बदलेगा। अभी दोस्तों ये क्या था, प्योर फॉर्म में था, सॉल्वेंट था, कम ही टेम्परेचर में, टेम्परेचर कम ही गिराने पर ये सॉल्वेंट सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। बस इस सॉल्वेंट, बट अगर इस सॉल्वेंट में हमने कोई सॉल्यूट डाल दिया, कोई भी सॉल्यूट, आप शुगर हो, यूरिया हो, ग्लूकोज हो, एनी वन समथिंग कुछ भी आप इसमें डाल दीजिए, तो ये बहुत आसानी से क्या होता है, तब जो आसानी से आप देख पा रहे हैं सॉलिड बदलता, तभी आसानी से सॉलिड फॉर्म में नहीं बदल पाता, यानी कुछ इसमें अशुद्धि भी आ गई तब टेम्परेचर ज़्यादा गिराना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर विलयन है, विलयन को हम यहाँ से ले आते हैं, आप देख पा रहे हैं विलयन का टेम्परेचर दोस्तों कितना गिर रहा है, ये यहाँ पर इस टेम्परेचर पर आके यहाँ पर क्या होता है, ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ इस सॉलिड को ये कट करेगा, फिर यहाँ से हमने एक टेम्परेचर पर लाइन खींचा और इसे नाम दे दिया क्या, टी एफ, राइट। अब दोस्तों यहाँ पर ये सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में है, सॉल्यूट इन प्योर फॉर्म में है। अब दोनों के बीच का डिफरेंट दोस्तों क्या है, दोनों के बीच का जो डिफरेंट होता है टी एफ, डेल्टा टी एफ, इसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, हिमांक का अवनमन, राइट। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टी एफ, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंट होता है, यानी टी एफ और टी एफ नॉट के बीच का दोस्तों जो डिफरेंट होता है, इसी को हम लोग कहते हैं हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन बराबर दोस्तों क्या होता है, विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक। दोस्तों आप देख पा रहे हैं विलायक का जो हिमांक है, जो प्योर फॉर्म में है, इसका टेम्परेचर कम ही गिराने पर यह क्या हुआ दोस्तों, किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में। तो कम ही टेम्परेचर गिराया तो ज़्यादा टेम्परेचर है कि नहीं, कम ही टेम्परेचर गिरा है तो यहाँ पर क्या हुआ, सॉलिड, यहाँ पर इसका टेम्परेचर ज़्यादा गिराना पड़ता है तब जाके ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो टी एफ माइनस टी नॉट, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, यानी ज़्यादा में से दोस्तों क्या करें, कम को माइनस कर देंगे और इसी को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, हिमांक का अवनमन, राइट। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए डेल्टा टी एफ ये किसके प्रपोर्शनल होगा, सॉल्यूट के। अब ये चीज़ हम लोग समझना है, डेल्टा टी एफ किसके प्रपोर्शनल है, सॉल्यूट के। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोनों के बीच का दोस्तों डेल्टा टी एफ क्या है, डिफरेंट है, और डेल्टा टी एफ क्या है, हिमांक का अवनमन। दोस्तों यहाँ पर जब हम सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट ऐड किए थे तो सॉल्यूट किसके प्रपोर्शनल होगा, डेल्टा टी एफ के। भाई सॉल्यूट जैसे होगा वैसे इसका भी अंतर आएगा, राइट। यानी टी एफ जैसे जैसे बढ़ेगा सॉल्यूट जो भी होगा, यहाँ पर जो हम सॉल्यूट डालेंगे वो भी बढ़ेगा, राइट। अगर ये कम होगा तो डेल्टा टी एफ भी कम होगा, तो डेल्टा टी एफ दोस्तों इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, सॉल्यूट के। सॉल्यूट यहाँ पे जो हम लोग सॉल्यूट लेते हैं दोस्तों, ये
टेम्परेचर अनडिपेंडेंट वाले लेते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट वाले नहीं। अब डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सॉल्यूट, यहाँ पे मोलालिटी होता है, मोल फ्रैक्शन होता है, और भी होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, मोलालिटी लिया है, डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या मोलालिटी। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे दोस्तों, कोई ना कोई कॉन्स्टेंट लेंगे, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू स्मॉल एम, जहाँ के एफ क्या है दोस्तों, के एफ क्या है, हिमांक का आवर्वन स्थिरांक, अभी आगे हम आपको बता रहे हैं। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, स्मॉल एम बराबर यानी स्मॉल एम यानी मोललता बराबर दोस्तों क्या होता है, मोलालिटी बराबर क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट, केजी में हो जाएगा दोस्तों, ये किलोग्राम में होगा, क्योंकि मोललता बराबर होता है विलेय की मोलक संख्या बटे विलेय का भार किलोग्राम में। विलेय की मोलक संख्या कैसे निकालते हैं, विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार, राइट। तो मोलालिटी बराबर क्या हो जाता है, विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार और वेट पर केजी हो जाएगा। अच्छा, इसी को ग्राम में कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, थाउजेंड से डिवाइड करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब इसी दोस्तों स्मॉल एम के वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे, तो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ स्मॉल डब्ल्यू थाउजेंड डिवाइडेड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन डब्ल्यू के जी पर सॉल्वेंट। अब दोस्तों यहाँ पर हमें कभी कभी क्या निकालना रहता है, सॉल्यूट का मोलर मास निकालना रहता है। सॉल्यूट का जब मोलर मास निकालना रहता है, के एफ स्मॉल डब्ल्यू थाउजेंड से मल्टीप्लाई किया क्योंकि ग्राम में निकालना है, और डेल्टा टी एफ क्या होगा, नीचे चला आएगा, और डब्ल्यू ग्राम, ये विलायक का भार है ग्राम में। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं ये सब वैल्यू है क्या, जरा इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों। ये जो यम नॉट, इसे हम यम नॉट या कैपिटल एम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, विलेय का अणु भार यानी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, विलेय का अणु भार। अब दोस्तों यहाँ पर के एफ क्या है, के एफ मोलर अवनमन स्थिरांक होता है, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, विलेय का भार ग्राम में है, डेल्टा टी एफ क्या है, हिमांक का अवनमन होता है, राइट। डब्ल्यू ग्राम क्या है, डब्ल्यू के जी ग्राम क्या है दोस्तों, विलायक का भार ग्राम में, राइट। दोस्तों इस प्रकार से हम लोग सीख पाए हिमांक और हिमांक अवनमन के बारे में, और किसी विलेय का अणु भार हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग सीख पाए दोस्तों। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर, धन्यवाद।